गिरिराज धाम गोवर्धन क्षेत्र के राधाकुंड नगर पंचायत द्वारा कस्बे में सीसी की सड़क खोद डाली जा रही है। पाइपलाइन से स्थानीय लोगों के साथ साथ परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु भी काफी परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एक महीने से डाली जा रही पानी की पाइपलाइन अभी तक नहीं डाली गई है, जबकि सड़कें पूरी तरीके से खोदी हुई हैं और बताया गया है कि सड़कें पहले जैसी बनी हुई हैं, जो दोबारा ऐसी फिर से नहीं बन सकती। तो कुछ लोगों के तो कार्य की वजह से नल कनेक्शन तक टूट गए हैं। और राधाकुंड कस्बे के लोगों का कहना है कि हमने जब इसको लेकर नगर पंचायत चेयरमैन और ईओ से बात करनी चाहा तो वो लोग मिलते नहीं हैं और मांग की कि जल्द से जल्द इस कार्य को ख़त्म कराया जाए और जैसे पहले सड़कें और गली थी वैसी उनका निर्माण कराया जाए। जब इस बारे में राधाकुंड नगर पंचायत चेयरमैन टिमटुम से बात की तो उन्होंने बताया है कि पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, किसी के नल कनेक्शन नहीं टूटे हैं। वह राधाकुंड के निवासी हैं और जिसके नल कनेक्शन टूटे भी उनको जुड़वा दिया जाएगा। जो पानी पाइपलाइन से सड़कें टूटी हैं वो पहले की तरह बनाई जाएंगी। मेरा नाम आकाश गोस्वामी है। आकाश जी कहाँ रहते हैं आप? हम राधाकुंड में रहते हैं। तो ये सड़कें तो खुदी हुई हैं, क्या मामला है? ये कब से खुदी पड़ी हैं? अरे आपको क्या बताएं, होली से पहले का ये कार्य चल रहा है। हाँ जी। और अभी तक ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अच्छा। तीन बार ये सड़क खोद दी गई है। हाँ जी। लेकिन तीन दिन से हमारी दुकान भी बंद है। हाँ जी। इसी चक्कर में, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है। हाँ जी। अब ये पता नहीं क्या हुआ इनको, ये दोबारा फिर से खोद दी गई है। तो आपने बोला ना चेयरमैन से या ईओ से? किसी से भी बोले कुछ वो नहीं है, ये कार्य ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे ही बोलते हैं, पता नहीं ये कब पूर्ण होगा। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं जल्दी से पूर्ण हो। दो दिन से फिर दुकान बंद हो गई है, दोबारा खुदाई चालू कर दी है। इनसे कुछ बोले अरे ये थोड़ी ऊपर रह गई है, तो आपको पहले नहीं दिख रहा है ये ऊपर रह गई है? क्यों आप बार बार में खुदाई कर रहे हो? यहाँ पे दुकानदार हो, सभी को परेशानी हो रही है, कौन है उसका जिम्मेदार आप बताइए? तो आप क्या चाहते हैं? अब ये जल्दी से जल्दी हमारा ये कार्य पूर्ण हो सड़क का। ये 2010 की बनी हुई सड़क है, अब 2022 आ गई है, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, अब ये 2022 में आके इसको बिगाड़ दिया गया है। अब मैं बता रहा हूँ, अब पिछले पहले जैसी सड़क अब दोबारा नहीं बन सकती। मेरा नाम मोनू गोस्वामी है। मोनू जी, क्या अच्छा ये क्या में सड़क खुदी पड़ी है चारों तरफ है, और क्या मामला, किस लिए खुदी गई है? ये सर पानी की पाइपलाइन गिरी हुई है। हाँ जी। डालने की बात चल रही है। हाँ जी। और ये सड़क खोद के डाल दी है इन्होंने। हाँ। और परिक्रमा जी को परेशानी हो रही है यहाँ पे। हाँ। ये काम बहुत लेट चल रहा है, प्रशासन से मांग है हमारी कि काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो आपने नगर पंचायत या ईओ से कोई शिकायत नहीं की? की है, बिल्कुल की है। हाँ। उनका रवैया ऐसा ही है, ढीला डाला। हाँ। काम में बहुत सुस्त है वो। अच्छा। और मेरी हमारी मांग है कि ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। चेयरमैन साहब, कस्बा राधाकुंड में सड़कें खुदी हुई हैं, पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, वहीं स्थानीय लोगों का कुछ विरोध भी दिख रहा है कि कई एक डेढ़ महीने से सड़क खुदी हुई हैं और ना बन रही हैं, और कुछ लोगों के नल के कनेक्शन भी टूट गए हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी नल अपने आप जुड़वाएं, जबकि कार्य सरकारी है, उसके बारे में क्या कहना है? सड़क जो टूटी भैया वह एक महीना के लगभग आ गए, और भैया जी जो पहली राजिंग लानी वो 8 फुट नहीं थी। अब जो जी लाइन कर रही है, ये DI पाइप आई है कलकत्ता से, अब जी ओपन कर रही है, ये 2 फुट जमीन में अंदर कर रही है, तो यहाँ में बहुत लीकेज रह जाती, बड़ी दिक्कत होती है। एक लीकेज हैवे पर ही 10 दिन निकल जाते, गांव की जनता बड़ी परेशान रहती। अब कछु पैसा आएगो बातें जी, राइजिंग लाइन कर रही है, पुरानी लाइन जो राइजिंग लानी वो खत्म है गई, नई लाइन कर रही है। और जब पक्की सड़क है कितनी RCC की बनी हुई है, खुद रही है, तब हम परेशानी तो होगी होगी, और ऐसा काम है ना है। नहीं, लोगों का कहना है कि अगर ये गौशाला से स्टार्ट होंगे कच्चे के रास्ते होते हुए अगर ये पाइपलाइन आ जाती तो शायद ये इतना टाइम भी नहीं लगता और इतना इतनी खुदाइयाँ होती। नहीं, गौशाला के शायद से अगर ये पाइपलाइन आती तो वहाँ में बहुत ज़्यादा गिरती। हाँ जी। अब जी 1100 मीटर में ही कम्प्लीट है रही है, तो और ये 2200-2250 वर्ग मीटर की पाइप आई भैया, DI पाइप है। नहीं, जिन लोगों के कनेक्शन टूट गए हैं उनका क्या होगा, उनको कौन जुड़वाएगा? उन लोगों के कनेक्शन, कोई के कनेक्शन ना टूटे, मैं राधाकुंड में रहूं। ना जी। और आज की तारीख में जो कनेक्शन टूटे हुए संघ की संघ सही है, कोई को कनेक्शन ना। अच्छा। और जो सड़कें जैसे ये टूटी हुई सड़कें हैं वो महीने में रिपेयरिंग की जा रही है, और ये दोबारा फिर उखड़ेंगी ईंटें ना, ये जो दोबारा ईंटन बारी इंटरलॉकिंग, वो इंटरलॉकिंग के हिसाब से सही आ रही है, और जो RCC है वो RCC की बातें सही होगी, RCC भरी जाएगी। अच्छा, RCC भरी जाएगी। हाँ जी।